आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें रात में बार बार पेशाब आता है। क्या आप जानते हैं कि रात के वक्त बार बार पेशाब आना आपकी सेहत के बारे में बहुत से संकेत देता है। रात में सामान्य से ज्यादा पेशाब आने की इस समस्या को मेडिकल भाषा में नॉक्टुरिया कहते हैं। और आइए आज आपको इस बीमारी के बारे में विस्तार से बता दें। डॉक्टर्स का कहना है कि रात में एक या दो बार टॉयलेट जाना सामान्य है, लेकिन इससे ज्यादा बार पेशाब आना खराब सेहत की तरफ इशारा करता है। एक्सपर्ट्स ने कहा, अगर आपको रात में बार बार पेशाब की समस्या हो रही है और आप कोई अजीब बदलाव महसूस कर रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करने में देरी नहीं करनी चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रात में पेशाब आने के पीछे दर्जनों दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इस विषय में ज्यादा चिंता करने से पहले इसके सामान्य और कम संबंधित ट्रिगर्स की पहचान करना जरूरी है। कैफीन, अल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस या एंजाइटी भी इसका कारण हो सकता है। अल्कोहल या कैफीनेटेड बेवरेज जैसे कि चाय, कॉफी और फिजी ड्रिंक्स ड्यूरेटिक होते हैं। इसका मतलब इन्हें पीने के बाद शरीर ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करता है। ये समस्या नॉक्टुरिया की बीमारी से भी जुड़ी हो सकती है। आमतौर पर यह बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होती है। नॉक्टुरिया की बीमारी को बढ़ती उम्र और हार्मोन में बदलाव से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन कई बार इसके भयंकर परिणाम भी देखे जाते हैं। NHS के मुताबिक नॉक्टुरिया में अक्सर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी UTI या यूरिनरी इन्फेक्शन की शिकायत भी हो सकती है, जिसके चलते पेट दर्द या पेशाब न आने की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा रात में बार बार पेशाब आने की समस्या प्रोस्टेट कैंसर से भी जुड़ी हो सकती है। रात में बार बार टॉयलेट जाने की ये समस्या डायबिटीज से भी जुड़ी हो सकती है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज का बहुत साधारण सा लक्षण है। हालांकि इसमें वजन घटना, प्राइवेट पार्ट के पास खुजली और प्यास लगने जैसे लक्षणों पर ध्यान देना भी जरूरी है। रात में पेशाब आने की वजह ब्लैडर प्रोलैप्स, प्रोस्टेटिक या पिलिविया एरिया में ट्यूमर, किडनी इन्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज या स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। कैसे रखें ख्याल? रात में बार बार टॉयलेट की दिक्कत होने पर कुछ बातों का ख्याल रखें। रात को सोने से 2 या 4 घंटे पहले कम पानी पिएं, अल्कोहल या कैफीन का सेवन ना करें, मसालेदार एसिडिक फूड, चॉकलेट या मिठाई जैसी चीजें अवॉइड करें जो ब्लैडर को इरिटेट करती हैं। ब्लैडर कंट्रोल के लिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करें। स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।